2012 के जो क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं उसके दौरान सभी जगहों पर, खास तौर पर पुराने शहर में, बहुत ज़्यादा पैमाने पर ये बेटिंग की कंप्लेंट्स डायरेक्टली पब्लिक के ज़रिए, उसी तरीके से मीडिया और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए पुलिस की नज़र में आई हैं। गुजरे कुछ 10 दिनों में कई जगहों पर छापे मार कर अभी तक पिछले 10 दिनों में टोटल 7 केस इसके खिलाफ बुक किए गए हैं। श्यामा पेपर 32 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 70,000 तक रुपए भी बरामद किए गए हैं। कल एक बहुत ही अच्छी रेड में चारमीनार पुलिस, एसीपी श्री राम मोहन और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस श्याम बाबू के लीडरशिप में एक बहुत ही अच्छी रेड की गई, जिसमें कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुछ 22,000 रुपया नकद, कुछ सेलफोन्स बरामद किए गए। देखिए, खास बात बताने की यह है कि यह रकम छोटी लग रही है, पर पुराने शहर के अगर अमाउंट्स को देखा जाए तो काफ़ी हद तक जो गरीब तबका है या रोज़ के रोज़ जो कमाने वाले हैं, जब वो इस टाइप की बेटिंग में भाग ले रहे हैं या इस बेटिंग में पैसा लगा रहे हैं, तो उनकी जो निजी ज़िंदगी है, उनकी पर्सनल फैमिली लाइफ की इकोनॉमी के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, इस करके ये कदम उठाए गए। मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो ऐसे जो ग्रुप श्याम बाबू साहब ने पकड़ा है, अगर इनके आप हिसाब देखे जाएं तो कुछ जिस तारीख से ये बेटिंग शुरू की गई है उस तारीख से लेके आज तक कुछ 7 लाख तक का मुनाफा दिखाया गया है। अगर आप हिसाब इनको देखें, कितना पैसा किस इंसान से आ रहा है, कितना पैसा किस इंसान को जाएगा, ये इस तरीके के लेखे बनाकर, आमूम ये पैसा एक्चुअल कैश ट्रांसफ़र नहीं होता कि आप पैसा दीजिए और पैसा वापस लीजिए, ऐसा नहीं होता। हर आदमी के नाम का एक हिसाब लगा दिया जाता है। ये देखिए, अगर आप इस तरीके का बही खाता देखें तो ये टोटल अमाउंट करने से कुछ 7 लाख के करीब पड़ रहा है। कितना 7 लाख रुपया इनको टोटल आना है। तो ऑल्दो हमारी अमाउंट्स जो कभी 20,000 मिलता है, कभी 10,000 मिलता है, काफ़ी छोटे छोटे हैं, पर एक्चुअल प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इस केस में एक और हैरतअंगेज बात जो हमारे सामने आई कि कुछ तो लोग इस तरीके के बही खाते बना के, इस तरीके के हिसाब लगा कर अकाउंटिंग कर रहे हैं। काफ़ी लोग मॉडर्न तरीके से सेलफोन के द्वारा, कोई भी रिकॉर्ड्स ना छोड़ते हुए, सेलफोन के द्वारा वो एक टोटल रिकॉल करके एक सॉफ्टवेयर आया है सेलफोन्स में। एक बार श्याम एक्सप्लेन इसमें भी, और तो उसमें आपको पेपर पे भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, और जब आप कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे तो आपके पास पुलिस के पास प्रोड्यूस करने को कुछ नहीं बचता। सारी की सारी रिकॉर्डिंग, आप किस बॉल पे, किस बैट पे या किस रन पे कितना बैटिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ सेलफोन में रिकॉर्ड होता जाता है और हिसाब भी उस सॉफ्टवेयर के द्वारा लगाया जाता है। तो ये पहली बार, एटलीस्ट मेरे नज़र में ये पहली बार इस तरीके के सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आया है। रिकॉर्डिंग आपको सुना दी जाएगी कि किस तरीके से आयन के पीछे नहीं आने चाहिए उस तरह टोटल हिसाब 200 का हिसाब। अब
क्या है दो लास्ट में बोल रहा हूँ भाई 4950 देखिए मिनट मिनट पे बैटिंग पे 10,000 पूना जीतती तो देता तुमको भाई। और इसमें अब देखिए अगर आप प्रोड्यूस करें इनको कोर्ट पे तो ना हमारे पास कोई ये है, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है सेलफोन पे और हिसाब पेपर पे लगाने की ज़रूरत नहीं, वो सॉफ्टवेयर में हिसाब होता रहता है कितना जीते कितना हारे। तो ये एक चीज़ थी जो पहली मैंने भी इससे पहले बैटिंग में कभी नहीं देखी थी। तो अब देखते हैं इसको। तो ऑल दो बेसिक बोलने का मकसद ये है कि ऑल दो जो अमाउंट्स हैं पेपर पे लिखने के लिए बहुत छोटे छोटे हैं पर जो उनका प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी ज़्यादा है इसमें। दूसरी बात जो बहुत ही अच्छी चार मीनार पुलिस ने की है वो ये है कि एक सिंगल लेवल को पकड़ने के बजाय नॉर्मली क्या होता है जो बुकीज हैं जो आस जो लोअर लेवल पे पैसा ले रहे हैं उनको पकड़ के बात वहाँ तक छोड़ दी जाती है, नीचे में कौन है उसके ऊपर कौन है और उसके ऊपर कौन है, जो पूरा स्ट्रक्चर था एक ग्रुप का वो तैयार करके जैसे ये नीचे में कौन करता है, तीन लोग जो नीचे में हैं उनके ऊपर कौन है उसके ऊपर कौन है, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो बनाया गया है कमीशन बेसिस पे वो पहली बार पुलिस की नज़र में आया है। तो बेसिकली इसी बात पहले तो प्लान यही था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ACP साहब लेंगे बट जब पहली बार मैंने सुना कि ये सब हो रहा है और अच्छा केस है तो आपके सामने आया हूँ।